आज इस सभा में कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भाई महावीर जाजड़िया प्रधान जी बैठे सभा में मैं इसी के साथ में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा सिर्फ कि ये जो भी घटना हुई है ये घटना कोई सामाजिक घटना नहीं है, ये एक न्याय और अन्याय की घटना है कि जिसमें न्याय की तरफ कुछ लोग हैं और अन्याय की तरफ कुछ लोग हैं। इस घटना को सामाजिक घटना ना बनाया जाए, मेरे भाइयों से मेरा यही निवेदन है, इसको न्याय और अन्याय की घटना ही रहने दिया जाए। इसी के साथ में किसी भी समाज को एक तरफा ना लेकर 36 कौम के जो भी भाई हैं वो इस घटना का विरोध करें, और इसी के साथ में ये घटनाएं आज ही क्यों होने लगी हैं, क्योंकि कुछ चंद लोग जो हैं वो इनको पनाह देने का काम कर रहे हैं, इनको उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, और ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आज गैंगस्टर बना दिया गया है, गुंडा गर्दी के अंदर उनको उतार दिया गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो इस कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जितने गुना हुए या जितने मुकदमे हुए हैं उतने मुकदमे भाजपा सरकार में नहीं हुए थे, चौधरी जी की सरकार में नहीं हुए थे, लेकिन आज हर रोज ही अपने को देखने को मिलता है कि कोई ना कोई कुकृत्य क्षेत्र में होता रहता है, और इस क्षेत्र को एक शिक्षा का क्षेत्र था जो आज इसको आतंकवाद का क्षेत्र बना दिया गया है। आज हम महावीर झाझड़े के साथ में इतने जड़े खड़े हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की, और हम यही प्रयास करेंगे कि हम उनको न्याय दिला सकें, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस बैठे रहेंगे इस जगह पे और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद।